द टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर कैलाश श्रृंखला, जिन्हें 1992 में चौथे सबसे बड़े इंडियन सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से नवाजा गया। कैलाश राजस्थान के रहने वाले थे और 1953 में इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को ज्वाइन किया। 1953 में उन्होंने सरिक्षा, भरतपुर, बनबिहार, रणथंबोर और राजस्थान वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में काम किया। 1965 में उन्हें दिल्ली जूलॉजिकल पार्क का हेड बनाया गया, जिसके बाद 1973 में इन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट को हेड किया, जो इंडियन टाइगर्स को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। और हमें इस प्रोजेक्ट के सकारात्मक रिजल्ट देखने को भी मिले। 2006 की रिपोर्ट के हिसाब से 1411 टाइगर्स इंडिया में थे, जो 2018 की रिपोर्ट में 2634 तक हो गए हैं। दोस्तों, कैलाश सर का देहांत 2003 में हो गया था, पर उनके काम को हमेशा याद किया जाएगा। ऐसी ही इंस्पिरेशनल साइंस स्टोरीज के लिए साइंस क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें।